Hello and welcome to football bloody hell. आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने एमय सी मुंबई क्लब तो बहुत टाइम ले रहे हैं भाई अपना रिव्यू 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 करने में हमारे रिव्यूज हो गए हैं हमारा अगले सीजन का प्लान चालू हो गया है लास्ट सीजन हमारे मेंबर्स मिले वेन रूनी को पेट्रीस एवरा को हमारा ग्रुप ट्रिप था ओल्ड ट्राइफर्ड लिवरपूल जहाँ पे वी सॉ इनक्रेडिबल गोल्स फ्रॉम माइनो एंड ब्रूनो समी uh, स्क्रीनिंग बहुत कुछ so आज हम लोग डिस्कस करने वाले बट लास्टन हम लोग नहीं है. हाँ फोर ईयर्स सेन आई वॉज नॉट है क्लब तो मैंने क्लब को एक ई मेल भेजा था एंड्स एक्सकिलेटेड एंड मैंने अपना मेंबरशिप छोड़ दिया yeah. था एंड दैट ट्वीट इज स्टिल गॉन वायरल मेरे ट्विटर पे है अगर किसी को और डिटेल में जाना है तो बट हम लोग ने कभी किसी को फोर्स नहीं किया था कि तू बाय मत करो या yeah. हमारे साथ में ज्वाइन करो प्रोटेस्ट में इट वॉज एन इंडिविजुअल डिसीजन आई थिंक एवरी वन वॉज फीलिंग क्लब से पब्लिक थे थे बहुत लोग अपना पैसा को नहीं देना चाहते आई है इसीलिए बहुत लोग ने मेंबरशिप लेना बंद कर दिया था एंड नाउ आई फील कि देर इज अ न्यू ओनर नाउ एंड कुछ नया फील हो रहा है

बट ऑल द लोकल बेनिफिट्स मुंबई के वापस आ रहे हैं एंड नाउ वी वांट टू एनकरेज पीपल टू बाई मेबरशिप इट एंड में ओपन मुझे हमेशा पब्लिक पूछते रहते हैं कि मेंबर कैसे बनूं बनू और मुंबई का जो ये है सपोर्टर्स क्लब ज्वाइन कैसे करूं तो बेसिक मैं शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ की हमारा खुद का कोई मेबरशिप नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक मेंबरशिप है विच इज कॉल्ड वन यूनाइटेड मेंबरशिप उनके वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हो या फिर हमारे वेबसाइट पर जाओ जहा लिंक हो गए विच वॉर्वर्ड यू टू दैट लिंक

So एलोकेशन बढ़े एंड ग्रुप ट्रिप में हमको ज्यादा uh, किसी के लिए खराब नहीं करना चाहता था टिकटिंग हम लोग हमेशा कर रहे थे तो आई थिंक जितना हो सके उतना मुझे करना है हम लोग का खुद का कोई मेम्बरशिप नहीं है मीन वी डोट मेक एनी मनी फ्रॉम एनी ऑफ दीज सेक्ट

पहले तो तुमको ये सीजन अगर जर, जरा भी प्लान है जाने का जरा भी इंक्लिंग है तुमको तो मेंबरशिप लगता ही है टू टू गेट अ अ टिकट तो यू नीड बाय मेंबरशिप एंड तुम्हारे साथ में कोई भी जा रहा हो तुम्हारा दोस्त तुम्हारी बीवी बच्चे जो भी <laughs> जा रहा होगा सबका एक अलग मेंबरशिप लगता है दूसरा है कि अगर आपको अवे टिक अवे मैच जाने का थोड़ा भी चांस है तो हमारे थ्रू एक चांस है मिलने का बिकॉज

बहुत ही ज्यादा एग्जॉबिटेड प्राइजेस वाला ग्रुप ट्रिप नहीं है लाइक like हम लोग ज्यादा इसमें पैसा नहीं बनाते हैं हमारा इंटेंशन सिर्फ यही है कि हम आपको तीन दिन का होटल बुकिंग करके देते हैं मैनचेस्टर में उसमें मैच टिकट इंक्लूडेड है स्टेडियम टूर इंक्लूडेड है प्लस आजकल तो हम लोग बहुत सारे उधर जाके किसी प्लेयर को मिल लिया जैसे लास्ट टाइम माइक फिलन को मिले होगा प्लस शायद कोई मीट एंड ग्रीट वहां पे हो जाए तो ये सब एडवांटेज है प्लस टिकट जो है वो साथ में होगा साथ में बीस लोग साथ में बैठते एंड इसमें फ्लाइट फ्लाइट अपनो खुद को करना है

आपका ट्रिप हो सकता है ठीक yeah. है वो भी एक एडवांटेज है मेंबरशिप लेने का बिकॉज आपको वो ग्रुप ट्रिप में प्रायोरिटी एक्सेस मिलेगा बिकॉज कभी कभी ग्रुप ट्रिप सोल्ड आउट भी हो जाता है फर्स्ट hmm. टाइम हमने ग्रुप ट्रिप किया था बीस <laughs> टिकट था हमारे पास सेवेंटी पीपल अप्लाइड अपलाइड तो उसमें अगेन मेंबरशिप रहेगा तो प्रायोरिटी मिलेगा प्लस अगर ज्यादा लोग ने अप्लाई किया तो अगेन बैलेट होगा एंड उसके हिसाब से होगा नाउ कमिंग टू स्क्रीनिफिट जो लोकल बेनिफिट है अगर आप स्क्रीनिंग आते हो तो स्क्रीनिंग में आपने बहुत बार देखा है कि यार टिकट फुल हो गया मेरे को पता ही नहीं चला इस बार फाइनल्स में हमें को जगह ही नहीं मिला नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो वो जो एक एडवांटेज आई थिंक मेंबर बनने का फायदा है कि एक तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में रहोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में हमेशा आपको टिकट का जो लिंक है वो पहले ग्रुप्स में आएगा एंड देन हम लोग उसको पब्लिक करते तो आपको फर्स्ट yeah. एक्सेस मिलेगा स्क्रीनिंग का टिकट बुक करने के लिए आपने हमेशा स्क्रीनिंग में आया होगा तो आपने देखा होगा कि जो आगे का सेक्शन है जहाँ पे एम एफ सब हमेशा सिंगिंग चैंटिंग करता है वहां पे अगर टेबल बुकिंग करना है तो अगेन इफ यू आर ए में आपको पहले वो टेबल बुक करने मिलेगा एंड तीसरा जो हम लोग हंड्रेड रुपीज एंट्री फी चार्ज करते हैं स्क्रीनिंग में वो हम मेबर्स से चार्ज नहीं करेंगे अब ये हंड्रेड रुपीज हम लोग एक्स्ट्रा क्यों चार्ज करते हैं ये हम लोग अठारह साल से करते <laughs> आ रहे हैं कि हमारे जो वर्किंग टीम का फंक्शनिंग है उसको वेबसाइट के लिए मेंटेन करने के लिए हम लोग जो फ्लैग्स बनाते हैं या जो भी खर्चा होता है उसको चलाने के लिए हम लोग ये हंड्रेड रुपीज को यूज करते हैं तो वो एंट्री फी हम लोग मेंबर्स से चार्ज नहीं करेंगे तो आपको हर स्क्रीनिंग का तो समझ लो कि साल में टिकटेड इवेंट्स कम से कम पंद्रह स्क्रीनिंग तो होता ही है जिसका टिकटिंग होता है तो उसमें आपका पंद्रह सौ रुपए तो ऐसे ही बच गया तो वो भी एक एडवांटेज है एंड मेरे को लगता है नाउ कमिंग टू साल होता ही होता है पिछले साल वेन आया था, फिर सेवरा जैसे बोला एंड उसके पहले रायन गिग्स है मेरे पास आके गए तो इसमें क्या होता है कि जो स्क्रीनिंग में रेगुलर होता है या फिर बाकी भी जो समझो व्हाट्सअप ग्रुप में रेगुलर है एक्टिव है जो पार्टिसिपेट करता है तो हम लोग प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग रेगुलर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं मीटिंग तो तो होना है तो अगेन में तो दैट इज वन मोर रीजन हो तो एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप है जो तो ओपन हाँ, है उधर भी इन्फॉर्मेशन आता ही है बट अभी हमारा का अलग ग्रुप होगा तो पहले हर चीज में पहले प्रायोरिटी उनको ही मिलेगा मेंबर्स को एंड नॉन मेंबर्स को उसके बाद मिलेगा तो ये सब बेनिफिट्स लोकल कुछ भूल गया कौन तो beres, हाँ, course, अगर वैसे तो टिकट सबको फ्री था बट अगर आपने रजिस्टर नहीं किया था टाइम पे बहुत लोगों ने नहीं किया था और छूट गया आपका तो हमने क्लब से सेपरेटली बात करके टिकट उसके लिए भी रखा था एंड आई थिंक वी हेल्प अराउंड सेवेंटी फाइव एट्टी ऑलमोस्ट विथ टिकट फॉर दैट इवेंट तो ऐसे ही करके काफी बेनिफिट्स uh, है बट या स्क्रीनिंग बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एक तो वो बहुत अच्छा रहता है कि नॉन स्क्रीनिंग डेज पे तो आपको बेनिफिट्स बताया बट नॉन स्क्रीनिंग डेज पे भी नॉर्मली लोग मैच देखने आ जाते हैं साथ में क्रिकेट वट राइट right? तो एक वो कम्युनिटी के पार्ट बन जाते हो एंड देन

कि कितने टाइप के मेंबरशिप है कहाँ से लू ये सबको बहुत करता <laughs> है। तो एक बेसिक जैसे मैं, आप सिर्फ गूगल में डाल के देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड वन यूनाइटेड मेंबरशिप आपको डायरेक्ट लिंक आ जाएगा आप लिंक पे जाके चेक कर सकते हो मैं वैसे भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक बट इवन इन जनरल अगर आप ये वीडियो के बाद देख रहे हो तो गूगल कर लो मिल जाएगा तो उसमें लिंक आता है लिंक पे जैसे ही जाओगे आई थिंक पांच छह कैटेगरी होता है एक तो पहले अंडर एज का कैटेगरी है जो आई थिंक बिलो एटीन है ना या सो बेसिकली कोई भी लोगे मेंबरशिप उसमें हर एक में एक एज कैटेगरी रहता है जैसे 60 प्लस 64 प्लस जूनियर जूनियर वॉटेवर अपने, अपने एज के हिसाब से, साथ से वो, वो कर लेना बट इज प्रीमियम फुल लाइट ये तीन मेंबरशिप के अंदर से आप ले सकते हो फॉरवर्डिंग मत लेना फॉरवर्डिंग अगर लोगे तो हमारे साथ आप रजिस्टर नहीं कर सकते फॉरवर्डिंग क्या होता है कौन वो भी एक बता दे शॉर्ट में या फॉर्वर्डिंग बेसिकली अगर किसी के पास सीजन टिकट है उसको अपना टिकट किसी को भेजना है तो सिर्फ वो उसको फॉरवर्ड कर देता है तो जिस उसका और कुछ, भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ वाले का रिसीव करने के लिए है। उस पर आप वेबसाइट के बैलेट वैलेट में कुछ अप्लाई नहीं कर सकते हो कुछ भी नहीं और प्रीमियम लाइट और फुल इसमें मेजर जो फर्क है मेरे को लगता है वो जो मेंबरशिप पैक जो साथ में आता है वो फर्क है

आप जल्दी आपका ऑलरेडी मालूम है कि आप जाने वाले हो तो देन जैसे मैंने बोला कि एक सपोर्टर्स क्लब का अलग मेंबरशिप क्लब ने दिया है ट्वेंटी फाइव पाउंड का सिर्फ है वो लेने के लिए एक स्पेसिफिक लिंक है वो डायरेक्ट वो वेबसाइट पे नहीं मिलेगा वो लिंक भी हम लोग अपने हम लोग ने अपने वेबसाइट पे डाला हुआ है तो हमारे वेबसाइट पे या इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या बायो में जाओगे उसके थ्रू आपको वो लिंक मिल जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप ये कभी भी कर रहे हो आपका एड्रेस मुंबई में होना चाहिए आपको अपने दोस्त का न, एड्रेस डालना है चाचा का एड्रेस डालना हाँ। है किसी का भी डालना है डाल दो डाल सकते हो क्लब को मत बोलना हमने पता है तो सिर्फ एक मुंबई का एड्रेस करो यूज करने के लिए बिकॉज यू रजिस्टर विद मुंबई एक बात में थरो चेक होता है कि अगर मुंबई के साथ में कोई एड्रेस यूज नहीं किया हुआ है तो उसका मेंबरशिप वैलिड नहीं होता और हमारे साथ रजिस्टर नहीं कर सकते बेसिकली हम लोग का एक बैकएंड रहता है अगर आपका मुंबई एड्रेस नहीं है आप हमारे बैकएंड पे नहीं आ सकते हम आपको रजिस्टर नहीं कर सकते एज एज सिंपल दैट आपके लोकल भी शायद कोई सपोर्टर्स क्लब हो सकते हैं

ग्रुप क्रिप्टे में बहुत एक्साइटेड हूँ आई थिंक चार पाँच साल हो गए मुझे जाके उल्ट्राइक आई पर्सनली वॉन्ट टू गो अगर कोई अच्छा मैच सेडल हो जाए तो एंड yeah. यूनाइटेड का परफॉर्मेंस लास्ट सीजन से बेटर हो एंड uh, ये वीडियो को आप प्लीज अपने दोस्तों अपने ग्रुप्स में जो भी यूनाइटेड के कम्युनिटीज है हर जगह शेयर करो और सबको बताओ कि हाउ टू तो बिकम ए एंड जैसे मैंने बोला कि स्क्रीनिंग का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है जैसे बड़े मैच जब आते हैं कप जैसा मैच फाइनल आया था